नमस्कार सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष ये भी खबर बालिका गृह से ही जुड़ी हुई है लेकिन थोड़ी अलग सी खबर है आपको पता है कि बालिका गृह स्कैंडल में मंत्री समाज कल्याण नप चुकी हैं उनकी कुर्सी जा चुकी है वो सुभाष मार्ग छः नंबर बंगला में रहती हैं तो उस बंगले के बारे में तरह तरह की खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि बंगला ही बड़ा सुकून है और ख़ासतौर पर कुशवाहा मंत्रियों के लिए नेताओं के लिए क्योंकि इस बंगले में रहने वाले जितने भी कुशवाहा मंत्री थे सब नप गए कोई टर्म पूरा नहीं कर पाया तीन मंत्री अब तक नपे हुए हैं अवधेश कुशवाहा मंत्री थे वो भी नप गए यानी रिश्वत लेते हुए दिखाए गए तस्वीर सामने आ गई कि किस तरह से पैसा ले रहे हैं किसी काम के लिए वो वायरल हो गई सोशल मीडिया में तस्वीर मीडिया में भी खबर चल गई और इसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट देने से भी मना कर दिया तो औधेश कुशवाहा पहले मंत्री थे जो इस बंगला में रहकर फंसे थे दूसरे मंत्री थे आलोक मेहता जो आर के थे महागठबंधन की सरकार में मंत्री थे और वो भी मंत्री बनने के बाद इसी बंगले में आकर रहने लगे लेकिन अपना टर्न पूरा नहीं कर पाए बीच में ही महागठबंधन की सरकार टूट गई गिर गई और फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली तो उन्हें भी उस बंगले से बेदखल कर दिया गया बाहर निकाल दिया गया और तीसरी मंत्री थी मंजू वर्मा ये भी उसी बंगले में घुस गईं ये पहले रहती थी दूसरे बंगले में लेकिन जब आ, समाज कल्याण विभाग का प्रभार मिला तो इनकी नज़र चल गई वो तो बंगला ही ऐसा है कि कुशवाहा मंत्रियों को अट्रैक्ट करता है तो उस बंगले में गई और जाने के बाद ये बड़ा खेल हो गया खुद तो कुर्सी ही चुकी हैं और पति को सीबीआई से बचाने की चुनौती है ये तीन कुशवाहा मंत्री की नौकरी चली गई है उस बंगले में जाने के बाद तो अब कोई कुशवाहा मंत्री उस बंगले में जाने को तैयार ही नहीं है और हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि दो कुशवाहा नेता जे के हैं जो मंजू वर्मा की जगह ले सकते हैं उनमें से कोई एक ले सकता है मंत्री बनाया जा सकता है समाज कल्याण विभाग का क्योंकि पहले ही खुलासा हो चुका है कि समाज कल्याण विभाग के, के मंत्रालय का जिम्मा किसी कुशवाहा को ही नीतीश कुमार देंगे क्योंकि भाई काम के साथ साथ आपको जाति या समीकरण का भी ध्यान राजनीति में रखना पड़ता है ये मजबूरी है तो कुशवाहा कौन मंत्री बनेगा इसको लेकर अभी जांच पड़ताल चल रही है और अगले एक दो दिनों में नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं उसमें पता चल जाएगा कि कौन मंजू वर्मा की जगह लेता है लेकिन सबसे बड़ा रोचक सवाल ये है रोचक खबर ये है कि उस बंगले में रहने के लिए कोई कुशवाहा विधायक तैयार नहीं है हमारी टीम ने बात किया तो दोनों ही कुशवाहा जो नंबर में हैं मंत्री बनने के होड़ में शामिल हैं सबसे आगे हैं उनका भी कहना है कि मंत्री बन भी गए तो उस बंगले में तो नहीं रहेंगे उनका कहना है कि इस बंगले का वास्तु ही खराब है और जो घुसता है उसका सब कुछ खराब हो जाता है तो अब ये बंगला क्या भूत बंगला बन गया है क्या इस बंगले में अब कोई मंत्री विधायक नहीं रहेगा लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और राहत की भी बात कर सकते हैं कि इस बंगले में अब तक जो भी रहने वाले लोग फंसे हैं वो कुशवाहा बिरादरी के ही लोग थे अवधेश कुशवाहा आलोक मेहता जो कुशवाहा बिरादरी से आते हैं और अभी मंजू वर्मा तो तीनों कुशवाहा बिरादरी से आने वाले मंत्री थे तीनों की नौकरी चली गई और मंजू वर्मा तो बुरी तरह से फंसी ही हुई हैं तो अब चौथा कौन कुशवाहा मंत्री उसमें घुसेगा इसको लेकर असमंजस बना हुआ है सब लोग वेट कर रहे हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या मंजू वर्मा के घर खाली करने के बाद जो उनकी जगह लेगा उसी घर में रहेगा उसी बंगले में तो हमारे सूत्रों से जो बातचीत हो रही है दो विधायक जो मंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं वो तो तैयार नहीं है उस बंगले में रहने के लिए उनका कहना है कि भाई मंत्री बने या न बने वो मंजूर है लेकिन उस बंगले में नहीं रहेंगे जिसका वास्तु ख़राब है जिसमें जाने के बाद गारंटी है इस बात की कि फंस जाना है या पकड़ा जाना है या धरा जाना है तो उस बंगले को लेकर बड़ी चर्चाएँ हैं राजनीतिक गलियारे में और अब कोई भी उस बंगला में जाने को तैयार नहीं है अब लगता है कि उस बंगला को खाली रहने से भूत बंगला बनने से बचाना है तो नीतीश कुमार को किसी गैर कुशवाहा को देना पड़ेगा और वो गैर कुशवाहा भी हिम्मत करेगा उसमें रहने की कि नहीं करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और भी जो उसमें रहने वाले तीनों मंत्री थे एक तो मंजू वर्मा को आप सुन ही चुके हैं बाकी दो मंत्री थे उनसे भी हमारी टीम बातचीत कर रही है उसको भी हम आपके सामने लाएंगे उनका अनुभव बताएंगे कि क्या वास्तु खराब है पंडित ने क्या बताया क्यों उनकी नौकरी चली गई क्यों सरकार बीच में गिर गई आलोक मेहता बताएंगे तो कहीं इस बंगले की वजह से ही सारा खेल तो नहीं हो रहा है क्या है बंगले में भूत है आत्मा है लेकिन ये आत्मा केवल कुशवाहा मंत्रियों को ही क्यों सताती है ये सबसे बड़ा सवाल है तो इस खबर से जुड़ी हुई जो भी सच्चाई सामने आएगी आपको आप हम बताएंगे वैसे सिटी पोस्ट लाइव इस तरह के अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता है और आपको भी भरोसा दिलाता है कि आप आपको भी कहना चाहता है कि आप अंधविश्वास पर भरोसा न करें ये अंधविश्वास है ये महज दुर्घटना है और इससे भूत प्रेत का कोई लेना देना नहीं है लेकिन ये नेता जो अंधविश्वास के खिलाफ लंबी चौड़ी बातें करते हैं बड़े बड़े सगुफे छोड़ते हैं उन्हें खुद डर है वो रहने को तैयार ही नहीं है आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए आपका सहयोग और समर्थन लगातार हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार